गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। हम अभी ये जो लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर फिफ्थ है हमारा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे। अभी ये बेसिक न्यूमेरिकल्स का पार्ट टू लेक्चर है, जिसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स से एक स्टेप अहेड थोड़े से और बेसिक्स, थोड़ा सा टफ, बेसिक से एकदम लाइट टफ ये न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर वन। ओके, फॉर्मूला लिस्ट तो वही है जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हम लोग ने यूज किया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, रेक्टेंगुलर बार ऑफ 50 by 30 mm इज 1 meter लॉन्ग। रेक्टेंगुलर बार ऑफ 50 by 30 mm मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है 50 by 30, मतलब ये बी इंटू डी या फिर बी इंटू टी के डायमेंशन में आपको एक रेक्टेंगुलर बार दिया है जो कुछ ऐसा रहेगा। रेक्टेंगुलर बार विद एरिया दिया है 50 by 30 और जिसका लेंथ दिया है 1 meter। तो ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया डी और ये मेरा होता है 50 by 30। तो ये 50 थोड़ा 30 से बड़ा लगना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरा ये बार है। ठीक है, जो ये 30 है, ये 50 है और ये आपको लेंथ दिया है इसका 1 meter। ठीक है, लेंथ दिया है आपको इसका 1 meter। तो एक चीज याद रखो कि ये 50 by 30, ये जो इनटू में दिया होता है ना b/d, ये जो दिया होता है वो हमेशा क्या होता है, एरिया, और लेंथ जो हमेशा होती है वो ज्यादा होती है। जो 1 meter मतलब ये कितना हो गया, 1000 mm। आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू ऑलवेज कन्वर्ट मीटर इनटू मिलीमीटर। इट कैरीज एक्सियल पुल ऑफ 93.9 kN। एक्सियल पुल मतलब लोड कैसे लग रहा है अवे फ्रॉम पॉइंट, 93.9 kN मतलब लोड कितना हो गया 93.9 kN। मींस ऑलवेज कन्वर्ट किलो न्यूटन टू न्यूटन इनटू 10 to the power 3 न्यूटन हो गया। तो उन्होंने बोला फाइंड स्ट्रेस स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, फाइंड करिए स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा, स्ट्रेन डिनोटेड बाय स्मॉल ई, चेंज इन लेंथ डिनोटेड बाय डेल्टा एल, एंड व्हेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200 गीगापास्कल। क्या बोला, 200 गीगापास्कल मतलब 200 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि कैसे कन्वर्जन होता है जीपीए का न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, सेकंड लेक्चर में। ठीक है, सो हमको क्या क्या निकालना है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, p/a। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है p/a। p दिया है 93.9 kN, मींस ऑलवेज कन्वर्ट kN टू न्यूटन, 93.9 × 10 to the power 3। एरिया दिया है 50 by 30, इनको आप कैलकुलेट करोगे 93.9 × 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 50 × 30, 62.6 N/mm². क्या हो गया ये इसका एरिया, स्ट्रेस। सेकंड आपको निकालने को बोला स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बट देखो गाइस, आपको चेंज इन लेंथ निकालनी है, आपको ओरिजिनल लेंथ 1000 mm दी है, तो दो अननोन एक साथ नहीं कैलकुलेट किए जा सकते एक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ये पार्ट को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, आई रफ दिस पार्ट, और मैं यहां पर क्या लिखता हूं, सेकंड, फर्स्टली मुझे क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ। उसका भी फॉर्मूला आपको पता है, PL अपॉन A, जबकि लोड वहां पर दिया है 93.9 × 10 to the power 3, लेंथ आपको दिया है 1000, एरिया 50 by 30,
और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 200 इंटू 10 टू द पावर 3, आपको क्या मिलेगी? सबसे पहले चेंज इन लेंथ 10 टू द पावर 3, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 30 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 3, आंसर आता है 0.313 m. ओके, मतलब कि क्या, कि पुल हो रहा है जब, तो थोड़ा थ्योरी में आपको पढ़ाया हूं, जब पुल हो रहा है तो लेंथ क्या होती है, बढ़ती है, तो लेंथ पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट जो थर्ड जो मैंने बताया आपको यहां पर, मुझे निकालना था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हमारा स्ट्रेंथ होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन क्या आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ मुझे क्या आई थी 0.313, ओरिजिनल लेंथ मुझे दी थी 1000, मतलब यह आएगा 0.313 divided by 1000 3.13 into 10 to power minus 4, and strain has no unit. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदर एक ऑप्शन था जो मैंने हुक्स लॉ में पढ़ाया था कि स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास है, स्ट्रेस आपने पहले सेक्शन में कैलकुलेट कर लिया, तो आपको बचता क्या है, स्ट्रेन बचता है ना, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, सो 62.6 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 10 टू द पावर 3, आंसर कितना आता है 62.6 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 10 टू द पावर 3, तो मुझे आता है स्ट्रेन, स्ट्रेन आता है मुझे 0.313। अगेन आप करके देखिए, 62.6 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 टू पावर 3, आंसर इसका आता है, यही आता है, ठीक है। अभी ये स्ट्रेन आ गया आपको, बराबर है कि नहीं है, स्ट्रेन आ गया, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ आपको कैलकुलेट करनी थी, ओरिजिनल लेंथ आपके पास है, आपने स्ट्रेन यहां से निकाला है, ऐसी तरीके से भी आप जा सकते हो और अननोन टर्म पर डेल्टा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल, ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। सो विल मूव टू द नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ तीन ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे कि मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट, तीन ही न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, कॉपर वायर ऑफ 600 mm लेंथ, तो लेंथ दिया है कॉपर वायर का 600 mm, ओके, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 10 kN, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 10 kN, तो P पुल में दिया है मतलब टेंसाइल 10 kN, सो 10 into 10 to the power 3 न्यूटन, किलो को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में। द फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ रॉड, तो डायमीटर को निकालो, इफ स्ट्रेस डू नॉट एक्सेड 75 MPa, 75 MPa मतलब 75 एज इट इज न्यूटन पर एनएम स्क्वायर, ये कितना दिया था 75 MPa में दिया था, 75 MPa मतलब 75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट इलांगेशन इफ कैपिटल ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 200 GPa, 200 गीगा पास्कल मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, गाइस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो लेट्स कैलकुलेट, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्या निकालना है मुझे, डायमीटर निकालना है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय ए, स्ट्रेस कितना दिया है 75, लोड मुझे दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया क्वेश्चन मार्क, तो एरिया वहां पर चला जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3, 75 नीचे चला आएगा, तो एरिया मुझे मिल जाएगा, सबसे पहले एरिया मुझे आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 75, 133.33 मिलीमीटर स्क्वायर, 133.33 एमएम स्क्वायर, बट एरिया ही क्या होता है, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया मैंने निकाला 133.33 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, इस इधर से मुझे अननोन टर्म बस डी बचती है, तो डायमीटर मुझे डायरेक्ट लिया जाएगा यहाँ पर 13.03 एमएम, कैलकुलेट करके डायमीटर आ जाएगा 13.03 mm, ठीक है। वंस आई कैलकुलेट डायमीटर,
मैं एरिया निकाल सकता हूँ, डेल्टा एल निकाल सकता हूँ, डेल्टा एल भी निकालने को बोला है। चेंज इन लेंथ क्या रहेगी, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, पी एल अपॉन ई। तो पी हमारे पास है, लेंथ मुझे पता है 600 mm, एरिया मैंने निकाल के रखा है 133.33, कैपिटल ई मुझे दिया गया है, मुझे क्या मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ मुझे यहां पर मिल जाएगी जो 10 × 10³³ × 600 / 133.33 × 200 × 10³ ब्रैकेट क्लोज 0.225 mm, ये मेरी क्या हो गई यहां पर गाइस, चेंज इन लेंथ हो गई। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी, सेकंड न्यूमेरिकल है जो बेसिक न्यूमेरिकल्स में टाइप 2 में आता है, ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया रहेगा। एंड द लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल जिसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं न्यूमेरिकल उसको दो बार पढ़ूंगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा ये न्यूमेरिकल, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सेफ एक्सियल पुल फॉर द रेक्टेंगुलर बार, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सेफ एक्सियल पुल ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बार की जो डायग्राम मुझे दी गई है यहां पे, जैसी डायग्राम दी गई है, ठीक है, जहां पर यहां पर एक सर्कल दिया है, यहां पर क्या है, सर्कल दिया है मतलब यहां पर क्या है, होल है, ठीक है, सर्कल दिया है यहां पर मतलब यहां पर छेद है, और डायमेंशन इधर या मुझे P दिखाया गया है, लोड लग रहा है, ठीक है, अंदर का होल का डायमीटर दिया है 60 mm, और बाहर के ये सेक्शन का 100 × 15 mm डायमीटर दिया है, ठीक है, ये सेक्शन का और इस वाले सेक्शन का मुझे 80 × 15 mm का डायमीटर दिया है, और बोला कि टेंसाइल स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड, टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ नहीं रहा है, कौन से वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, 120 MPa, टेंसाइल स्ट्रेस 120 MPa, मेगा पास्कल मतलब एज इट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो बोले मुझे कि डिटरमाइन सेफ एक्सियल पुल, क्या बोले, सेफ एक्सियल पुल मतलब पी को कैलकुलेट करो, बट कैसे सेफ, ठीक है, सेफ। तो ये दोनों रॉड तो जॉइन है, बट इस दोनों रॉड में दो एरियाज है, दो एरिया बराबर है, दोनों रॉड में कितने एरिया है, दो एरिया है, एक तो मुझे दिया है 100 और एक तो मुझे दिया है 100 × 15 और एक तो मुझे दिया है 80 × 15। 100 मतलब ये कितना हो गया, 100 हो गया, और 80 मतलब ये डायमेंशंस कितना हो गया है, 80 हो गया है, और 15 15 तो दोनों से में मतलब ये इसकी थिकनेस रहेगी आगे, ये अगर मैं 3D निकालने को जाऊं तो ये 15 रहेगी ऐसे, ठीक है, आपको होप सो समझ में आता रहेगा मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। ये 15 जो रहेगी ना, ये रहेगी जो आपको फिगर में नहीं दी है बट छुपा के रखेगी, ये भी 15 है और ये भी 15 है, सिर्फ 2D में दी है डायग्राम, दोनों क्या है 15 है, समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा रहेगा तो ये जो डायमेंशन है ये 15 है और ये भी 15 है। तो अगर ये प्लेन में सिलेक्ट करूं उसको A1 नाम दूं, तो ये प्लेन में मेरे पास ये 100 है और ये 60 है, मतलब ये बचा कितना, ऊपर 20 नीचे 20 मतलब बचा कितना 40। देखो कोई भी चीज, स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहां पर इफेक्टिव होता है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होता है। तो अगर सबसे पहले मटेरियल फेल होगा तो कहां पर फेल होगा, इस एरिया पे, यहां पर फेल होगा मटेरियल सबसे पहले, समझ में आ रहा है ना, यहां पर फेल होगा मटेरियल सबसे पहले, क्योंकि ये छेद की वजह से ये यहां पर सबसे पहले फेल होने के ज्यादा चांसेस है।
तो सबसे पहले एरिया वन क्या आएगा, 100 इंटू 40, नो सॉरी स्ट्रेस क्या रहेगा यहां पर, 100 इंटू 40, नो सॉरी 100 इंटू 40 नहीं आएगा, 100 में से मैं 60 को माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा, ये ऊपर 20 नीचे 20 और ये इंटू थिकनेस कितना दिया था मुझे 15, इंटू 15 बचेगा ना, B इंटू डी एरिया होता है, B इंटू डी, सो B तो यहां पर ये छेद की वजह से ये कम हो गया, 40 हो गया, 40 इंटू 15 ये मेरा हो गया A1, और उसी की तरह से यहां पर A2 क्या है, A2 एरिया का डायग्राम क्या आएगा, A2 कुछ ऐसा है, ये वाला सेक्शन जहां पर मुझे ये कितना दिया है 80 दिया है, राइट है, और उसका थिकनेस कितना दिया है 15, सो यहां पर A2 क्या आएगा 80 इंटू 15, राइट है, सो देख के ही समझ में आ रहा है कि 40 यहां पर ये क्या आएगा 40 इंटू 15, सो 40 इंटू 15 कितना आ रहा है 600, और 80 इंटू 15 कितना आएगा 1200, डबल mm स्क्वायर, ये भी किसमें है mm स्क्वायर में, ओके गाइस, दोनों भी एरिया सेम है, तो एक एरिया दूसरे एरिया से सेम नहीं है, सॉरी सेम नहीं है, A1 क्या है, A1 इज अ स्मॉलर एरिया, A1 इज स्मॉलर देन A2, और मैंने क्या बोला, अगर आपको सेफ एक्सेल पुल लगाना है निकालना है तो सेफ एक्सेल पुल मतलब ये लोड इस पे भी उतना लग रहा है, इस पे भी उतना लग रहा है बिकॉज दे आर जॉइंट, बट वीकर सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन जो सबसे पहले फेल होगा, ये तो फेल नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कंपैरेटिवली कम है, जहां पर मिनिमम एरिया वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस कौन से एरिया को लेकर निकालूंगा, जो मिनिमम एरिया रहेगा उसको लेके मैं स्ट्रेस को कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा चांसेस है मटेरियल के फेल होने के, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है P/A, मुझे P निकालना है, राइट है कि नहीं है, मुझे P निकालना है, बट मुझे स्ट्रेस दिया है ना 120 इज इक्वल टू P, अभी दो दो एरिया है, दो दो एरिया है, कौन सा एरिया सिलेक्ट करोगे, ये वाला लिस्ट एरिया सिलेक्ट करोगे जहां पर मटेरियल की फेल्योर होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो पी क्या हो जाएगा, यहां पर लिस्ट एरिया 600 आया था, तो ये 600 120 को मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको जो भी एरिया आएगा 72,000 आएगा, 6272 72, सो आपको ये कितना आया, तो सेफ एक्सेल लोड 72,000 आया, अगर मान लो अगर आपने ये एरिया सिलेक्ट किया तो 1200 इंटू 120 अगर करते हैं तो 240,000, ठीक है, या फिर समझ लो ना 1200 इंटू 120 करते सो 2 लाख नहीं 144 144,000 न्यूटन एरिया आता एक्सेल पोल आता था, है कि नहीं, अगर मैं सेक्शन 2 का एरिया सिलेक्ट करता था, बट इतना लोड लगाऊंगा तो ये लोड तक ये झेल सकता है, ये सेक्शन 72,000 तक ही, ये सेक्शन 72,000 तक ही झेल सकता है ताकि वो ब्रेक ना हो, लेकिन अगर मैं ये लोड लगाता तो 101% ये वीकर क्रॉस सेक्शन जहां पर होल है वहां पर वो मटेरियल क्या हो जाता था ब्रेक, तो सेफ एक्सेल लोड कैलकुलेट करना मतलब एक्सेल लोड कैलकुलेट करो बट किस पे, विच ऑन मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, लीस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर वही एरिया को लेके आपको लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के ये 3 न्यूमेरिकल्स अभी के लेक्चर नंबर 5 के बेसिक न्यूमेरिकल बट लिटिल हार्ड, ये जो लास्ट वन था बस बाकी सभी आसान है, सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में जहां पर हम लोग जैसे कि हम लोग चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बार बार देख ही रहे हैं, तो वो मेंबर्स इन सीरीज में रहेंगे, तो मेंबर्स सीरीज में रहेंगे तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।